hello students in the last lecture we have discussed about structure and also did a program depicting the implementation of structure and in today's lecture we will discuss about array of structure so let's start first of all let's revise what is a structure so structure is a collection of different data types एन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड इन मेमरी फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट लेक्चर वी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर नेम डेज बुक ठीक है तो यहाँ जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया उसका नाम हमने रखा था बुक उसके बाद गर्ली ब्रेसिस में उसके जो वो स्ट्रक्चर है उसके डेटा मेम्बर्स होते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल बुक के जो डेटा मेम्बर्स हैं दैट इज बुक आई डी टाइटल सब्जेक्ट ऑथर उसके बाद जो हम करली uh, ब्रेसिस के बाद जो डिक्लेयर करते हैं दैट इज़ द स्ट्रक्चर वेरिएबल और स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोल सकते हो आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल लिया है मींस इट कैन रिप्रेजेंट ओनली वन रिकॉर्ड इन मेमोरी मींस अगर आपको सिर्फ एक बुक का रिकॉर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं बट अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स चाहिए मल्टीपल बुक्स हैं आपके पास आप सबका रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जितनी आ, आ, आपके पास बुक्स हैं फॉर एग्जांपल आपके पास टेन बुक्स हैं देन यू हैव टू टेक टेन वेरिएबल्स बुक वन बुक टू बुक थ्री अप टू बुक टेन ओके टू इज दिस प्रोसेस इस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं एज वी नो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स एरे क्या होता है एक जैसे डेटा एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टोर मोर देन वन रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रक्चर टाइप वी हैव टू क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हम एरे बनाते हैं अगर हम इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे विल बी इंटीजर अगर हम फ्लोट टाइप का एरे बनाते हैं इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट एरे विल बी ऑफ टाइप फ्लोट ओके इसी तरीके से हम अगर स्ट्रक्चर टाइप का एरे बनाएंगे मीन्स उस एरे के सारे एलिमेंट्स स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स होंगे ओके नेक्स्ट इज सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर एरे अब देख लेते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है जैसे पहले हमने लिखा स्ट्रक्ट स्ट्रक नेम मीन्स सिम जैसे हमने पिछली स्लाइड में एक स्ट्रक्चर बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है पहले स्ट्रक की वर्ड यूज करेंगे उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम एंड देन इन करली ब्रेसेस उस स्ट्रक्चर के सारे मेम्बर्स को आप डिक्लेयर करोगे विद डेटा टाइप्स देन करली ब्रेसिस क्लोज करने के बाद सेमी लगाएंगे और मेन फंक्शन में हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है स्ट्रक्चर का नेम यानी कि जो नेम आप यहाँ लिखेंगे वही नाम आपको यहाँ लिखना है स्ट्रक्चर का नेम देन स्पेस देके ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम आप क्या रखना चाहते हो जैसे बुक वाले एग्जाम्पल में हमने वेरिएबल का नाम बुक वन रखा था इसी तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं एंड देन साइज साइज मीन्स आप कितने रिकॉर्ड्स को स्टोर करना चाहते हैं आप जो एरे बना रहे हैं स्ट्रक्चर टाइप का उस एरे का साइज़ क्या होगा वो एरे कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा वो साइज़ आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है ओके okay? सो so, लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम्पल नाउ ये हमारे स्ट्रक्चर यानी एरे ऑफ स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है लाइन बाय लाइन हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल इम्प्लीमेंट दिस एग्जाम्पल इन अवर कोडिंग ओके सो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच सबसे पहले मैंने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया दैट इज आयो स्ट्रीम डॉट एच उसके बाद मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है तो उसके लिए मैं कीवर्ड यूज़ करूंगी स्ट्रक्ट एंड देन एम्प्लॉय यानी कि मेरे स्ट्रक्चर का नाम मैंने रखा है एम्प्लॉय देन करली ब्रेसेस स्टार्ट हो गई करली ब्रेसिस एंड हो गई यहाँ तो जहाँ तक करली ब्रेसिस हैं हमारी स्कोप है जो करली ब्रेसिस का उसमें हम इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे यानी कि एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे मैंने लिया है इंट आईडी यानी कि एम्प्लॉय की आई और उसका टाइप है इंटीज़र देन एम्प्लॉय का नेम उसका टाइप है कैरेक्टर ये कैरेक्टर टाइप का एक एरे मैंने लिया है जिसका साइज है ट्वेंटी फाइव यानी कि नेम एक कैरेक्टर टाइप का एरे है और उसकी जो साइज लिमिट है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव उसके बाद है इंट एज यानी कि एज ली है मैंने एम्प्लॉय की इंटीजर टाइप में होगी एंड सैलरी इन लॉन्ग जो सैलरी है क्योंकि उसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए इसका डेटा टाइप हमने लॉन्ग लिया है आप इंटीजर भी ले सकते हो फ्लोट भी ले सकते हो आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हो ओके उसके बाद करली ब्रेसिस बंद हुई एंड सेमिकॉलन यहाँ तक हमारे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो थी वो कंप्लीट हो गई है अब मेन फंक्शन शुरू हुआ इंट मेन देन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे इंट आई इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है आई क्योंकि मुझे लूप लगाना है आगे तो वहाँ पे मुझे इस वेरिएबल की ज़रूरत होगी इसीलिए मैंने इसको यहाँ डिक्लेयर कर दिया है उसके बाद मैंने लिखा है एम्प्लॉय ई एम पी एंड देन ब्रैकेट में थ्री एंड सेमी कॉलन इसका मतलब है जो हमारा जो टॉपिक है एरे ऑफ स्ट्रक्चर वो यही लाइन है यानी कि यहीं पे इसी लाइन के थ्रू हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर पा रहे हैं यहाँ पे हमारा सबसे पहले जैसे हमने सिंटेक्स में देखा था स्ट्रक्चर का नेम है यानी कि स्ट्रक्चर का नाम क्या था हमारा एम्प्लॉय तो यहाँ पे हमने लिखा है एम्प्लॉय देन स्पेस दे के ई एम पी यानी कि स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है यानी स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम मैंने रखा है ई एम पी एंड देन जो स्क्वेयर ब्रैकेट है उसमें है साइज़ यानी कि थ्री यानी कि यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है एम्प्लॉय टाइप का जिसका नाम है ई एम पी और उसका साइज़ है थ्री यानी कि तीन रिकॉर्ड्स को ये स्टोर कर पाएगा तीन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड हम इसमें स्टोर कर सकते हैं ओके okay? ये जो साइज है ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जितने एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आपको स्टोर करने हैं उतना ही साइज आप यहाँ पे लेंगे ओके okay? तो ये हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे बन गया है ओके okay? अब हमें क्या करना है इस एरे ऑफ स्ट्रक्चर में वैल्यूज स्टोर करनी है तो उसके लिए मैंने फोर लूप लगाया फोर लूप में जो वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था आई उसी को लिया है आई इक्वल टू जीरो से हमारा लूप चलेगा आई लेस देन थ्री आई प्लस प्लस ठीक है यानी कि जीरो के लिए लूप चलेगा वन के लिए चलेगा टू के लिए चलेगा थ्री के लिए लूप नहीं चलेगा बिकॉज आई लेस देन थ्री है ठीक है अगर इक्वल टू नहीं लगाया है मैंने यहाँ पे तो हमारा लूप तीन बार चलेगा जीरो वन एंड टू के लिए ओके okay? देन मैंने लिखा सी आउट इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश एन यानी कि ये जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो एंटर द डिटेल्स ऑफ ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में है मीन्स एक स्ट्रिंग है इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगी देन फिर से इंसर्शन ब्रैकेट लगाइए आई प्लस वन ठीक है one, ये क्यों किया है क्योंकि पहला जो लूप है वो ज़ीरो के लिए चलेगा एंड हम ये नहीं चाहते कि एम्प्लॉय जीरो का रिकॉर्ड ये है हम हमेशा चाहेंगे एम्प्लॉय वन से स्टार्ट हो इसीलिए हमने एक ऐड कर दिया है मींस पहला जो लूप चलेगा जीरो के लिए उसमें हो जाएगा एंटर द डिटेल्स ऑफ जीरो प्लस वन यानी कि वन वन एम्प्लॉय मींस फर्स्ट एम्प्लॉय देन मैंने प्रिंट कर दिया सी आउट अगेन बैक स्लैश एन एंड बैक स्लैश टी बैक स्लैश एन हमारा यूज होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर का, का काम करता है ये और बैक स्लैश टी यानी कि स्पेस देने के लिए ओके okay? तो फिर मैंने लिखा बैक स्लैश टी एंटर एम्प्लॉय आईडी तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट करना चाह की वैल्यू स्टोर कर रही हूँ तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा एंटर एम्प्लॉय आईडी उसके बाद जो हमारा कंट्रोल है वो कीबोर्ड के पास आ जाना चाहिए ताकि आप एम्प्लॉय आईडी को कीबोर्ड uh, से एंटर कर पाओ तो इसीलिए मैंने सी इन लगाया है सी इन में एक्सट्रैक्शन ब्रैकेट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड देन ई एम पी क्योंकि ई एम पी हमारा क्या था जो एरे है जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का उसका नाम क्या है ई एम पी तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे जो ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे आप जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम रखेंगे हमेशा डेटा एंटर करने के लिए उसी की ज़रूरत हमें होगी तो यहाँ पे मैंने ई एम पी दिया था तो सी इन में मैं लिखूँगी ई एम पी आई डॉट आई डी ठीक है यानी कि क्योंकि हमारा लूप पहला जीरो के लिए चल रहा है तो ई एम पी ज़ीरो इंडेक्स पे जो एम्प्लॉय है उसकी आई डी हम जो भी कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा एम्प्लॉय ज़ीरो यानी एम्प्लॉय फर्स्ट की आई डी में ओके देन प्रिंट कर दिया बैक स्लैश एन बैक्स्लेश एंटर एम्प्लॉय नेम ये एज इट इज़ प्रिंट होगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा में है नेक्स्ट कंट्रोल चला गया कीबोर्ड के पास ई एम पी आई डॉट नेम यानी कि एम्प्लॉय ज़ीरो यानी फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम जो भी आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो फर्स्ट एम्प्लॉय के नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट इज एंटर एम्प्लॉय एज सिमिलर वे में एज और सैलरी हम यहाँ पे एंटर करवा लेंगे ओके okay? नाउ अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमने डिटेल्स स्टोर की हैं वो डिटेल्स uh, एक्चुअली में स्टोर कैसी हुई हैं ठीक है तो उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो अगेन फोर लूप लगाएंगे ठीक है और फोर लूप में सी आउट में मैंने लिखा है बैक स्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन में चला जाए कर एम्प्लॉय आई डी ई एम पी आई डॉट आई डी यानी कि जो लूप पहले आई ज़ीरो के लिए चलेगा यानी कि ई एम पी ज़ीरो डॉट आई डी पहले एम्प्लॉय की जो आई डी है वो प्रिंट हो जाएगी देन बैक स्लैश टी यानी कि कुछ स्पेस आएगा पांच स्पेस इक्वल टू वन टैब होता है तो यहाँ पे कुछ स्पेस आ जाएगा देन ई एम पी आई डॉट नेम यानी कि ई एम पी आई क्या है ज़ीरो पहले लूप पहले हमारे इटरेशन में जो आई की वैल्यू है वो ज़ीरो है इट मीन्स ई एम पी जीरो डॉट नेम यानी कि फ़र्स्ट एम्प्लॉय का नेम प्रिंट हो जाएगा देन अगेन डेक्सलैस टी ई एम पी ज़ीरो डॉट एज यानी कि फर्स्ट एम्प्लॉय की एज प्रिंट हो जाएगी देन अगेन बैक्सलेश ई एम पी ज़ीरो डॉट सैलरी यानी कि फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट हो जाएगी देन हमारा एक इटरेशन कंप्लीट हुआ देन आई में क्या होगा इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू वन हो गई ठीक है नेक्स्ट फिर से ये लाइन चलेगी ई एम पी वन डॉट आई डी यानी कि ई एम पी वन यानी कि सेकेंड एम्प्लॉय की आई डी प्रिंट हो जाएगी देन सेकेंड एम्प्लॉय का नेम प्रिंट हो जाएगा सेकेंड एम्प्लॉय की एज एंड सैलरी फिर आई में इंक्रीमेंट होगा आई हो गया टू ठीक है तो ई एम पी टू डॉट आई डी यानी थर्ड एम्प्लॉय की आई डी थर्ड एम्प्लॉय का नेम थर्ड एम्प्लॉय की एज एंड थर्ड एम्प्लॉय की सैलरी इसी तरीके से आप कितने भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं यूजिंग द एरे ऑफ स्ट्रक्चर बट जितने भी एम्प्लॉयज़ का आपको रिकॉर्ड स्टोर करना है वो आप यहाँ पे साइज में लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तीन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड स्टोर करने थे तो मैंने यहाँ तीन साइज लिया है ओके okay? अगर आपको टेन चाहिए तो आप टेन लीजिए अगर आपको हंड्रेड एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्टोर करना है आप यहाँ हंड्रेड लीजिए ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट एरे ऑफ स्ट्रक्चर आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रन द सेम प्रोग्राम ओके एंड वी विल सी द आउटपुट कि कैसे ये काम करता है और इसकी आउटपुट कैसी दिखेगी ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग And if you have any doubt, you can message me or uh, you can mention the doubt in your uh, comments below. Thank you.